हेलो फ्रेंड, आज हम सिंपल सलवार की कटिंग करेंगे जो आजकल बहुत ट्रेंड में है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैंने कपड़े को फोल्ड करके बिछा लिया है लंबा करके, ये देखिए। आप जितनी हमारी सलवार की लंबाई उसमें से 7 इंच कम कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, 7 इंच हम बेल्ट के लिए कम करेंगे। लंबाई नाप ली है मेरी, लंबाई यहाँ पर 32 इंच निकली है, तो मैंने 32 इंच पर निशान लगा के कटिंग कर ली है। ये देखिए दोस्तों, मैंने पार्ट निकाल लिए हैं जिसको हम कुंदा भी बोलते हैं। अब इसको कर देंगे हम अलग। अब काटेंगे हम कली। कली के लिए दोस्तों मैंने जो बचा हुआ कपड़ा था उसे फोल्ड करके बिछा लिया है। अब मैंने यहाँ पे निशान लगाया आसन का। आसन का निशान दोस्तों मैंने 9 इंच पे लगाया है। अब लंबाई लगाएंगे हम यहाँ पे 32 इंच, जितनी मैंने पार्ट की लंबाई ली थी यानी कुंदे की लंबाई ली थी वो हो गई थी हमारी 32 इंच। अभी इस निशान को सीधा करके जो आसन का निशान लगाया है दोस्तों, आसन के निशान से और नीचे नीचे कली के निशान से हम कर्व में एक निशान लगा लेंगे जिस पे हम कटिंग करेंगे। ये देखिए, यहाँ मैंने 2 इंच का निशान लगाया है नीचे और यहाँ पे आसन से इसको मिला लिया है इंची टेप से। तो यहाँ से इसको सीधा करते हुए निशान लगा लेंगे। ये देखिए, अब करेंगे हम इसकी कटिंग। यहाँ से कटिंग कर ली है दोस्तों मैंने ऐसे। अब हमारी 2 कलियाँ निकल के आ चुकी हैं। अब यही 2 कलियाँ मैं दूसरे कपड़े पे सेट कर लूँगी जो बचा हुआ था। यहाँ से हमने 2 कलियाँ और निकालनी हैं। बिल्कुल सेट कर लेंगे दोस्तों, कहीं आगे पीछे कपड़ा निकला हुआ है तो उसको बराबर करके एक जैसा कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ से मैंने 2 कलियाँ भी निकाल ली हैं। ये देखिए, यहाँ से ज़रा सा एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको मैंने अलग से निकाल दिया है जो एक्स्ट्रा था। तो दोस्तों ये निकल गई हमारी 4 कलियाँ। अब जो जॉइंट था डबल कपड़ा जो हमने फोल्ड किया था उसको हम अलग कर लेंगे। यहाँ से जो कली जुड़ी हुई थी वो मैंने अलग कर ली है। इधर आसन को भी हम अलग कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये कलियाँ हमारी कट के तैयार हो गई हैं। अब दोस्तों जो हमने पार्ट निकाले थे यानी जो कुंदे निकाले थे उसकी देखो कैसे सेटिंग करते हैं। मैंने ये बराबर बिछा लिए हैं। अब नीचे से ज़रा सा कर्व करते हुए दोस्तों नीचे हम मोहरी नापेंगे, मोहरी का निशान लगाएंगे। जितनी भी हमारी मोहरी है, 6 है 7 है या 6.5 है जो भी है उस पे निशान लगाया और साइड से ज़रा सा 1-1.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए साइड से कट कर लेंगे। ये देखिए ऐसे, ताकि जो आपने कली काटी है वो सीधा आपकी मोहरी में ही अटैच होए नीचे तक। और इसको अलग कर लेंगे जो ज्वाइंट है पार्ट हमारे। ऐसा करने से दोस्तों आपकी सलवार बिल्कुल नीचे तक आएगी कली और ऊपर नहीं चढ़ेगी। और एक बात और बताती हूँ दोस्तों मैं, जो हमारी जो आगे का फ्रंट जो पोछा होता है उस पे हमारा जो झोल पड़ जाता है, तो ये देखिए यहाँ से हम 1 इंच का कपड़ा उतार देंगे ऊपर से पार्ट के आगे से और वो झोल आपका बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब काटेंगे दोस्तों हम बेल्ट। अब बेल्ट देखिए दोस्तों, जितनी हमारी हिप होगी तो हिप में 2+ कर लेंगे। अब हमारी हिप है दोस्तों यहाँ पे 40 इंच, तो 40 में मैंने 2+ किए हैं, 42 हो गया। 42 का आधा दोस्तों 21 इंच हो गया। ये देखिए 21 इंच की मैंने बेल्ट ली है। 1 इंच एक्स्ट्रा भी ले सकते हो। और 7 इंच की दोस्तों ली है मैंने चौड़ाई। ये देखिए, अगर ज़्यादा हैवी हिप है तो आप उसमें 3+ भी कर सकते हैं। ये हमारी बेल्ट कट के तैयार हो चुकी है दोस्तों। तो दोस्तों हमारी सलवार की कटिंग हो गई है पूरी। ये देखिए, ये है हमारे पार्ट, ये हमारी कलियां हैं। ऐसे लगानी है आपने सिलाई करते हुए। और दोस्तों ये हमारी हो गई है बेल्ट। तो दोस्तों ये नैरो सलवार की कटिंग थी जो बिल्कुल ही आसान तरीके से मैंने आपको बताई है।
और बनने के बाद इसका लुक बहुत ही अच्छा आएगा। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।